हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ साथ किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस प्रकार से वेरी करता है उसके बारे में हम देखेंगे। तब देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी भी मेटालिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह इंक्रीज होता है जब भी हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ रेजिस्टेंस ही इंक्रीज होता है। उसका मेन रीजन यही कि कोई भी मेटालिक कंडक्टर है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, और जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन या इलेक्ट्रॉन व एटम के बीच में कोलिजन ये होता रहता है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो उसमें कंडक्टर में एटम्स होते हैं उनका जो वाइब्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, यानी हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोलिजन और बढ़ जाता है, और ड्यू टू विच रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जब कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर हमने रीजन लिखा है द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मेटेलिक एटम्स विच कॉजेज सम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब यह है इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो यानी टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मेटेलिक एटम्स। जो भी मेटेलिक एटम्स हैं या मेटल्स में जो भी एटम्स हैं उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है किसके, फ्री इलेक्ट्रॉन के पाथ में। ये तो है रीजन। आप देखेंगे फॉर स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन, स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन उस केस में जो रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी। आर क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस आर है। आर जीरो क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या है, यहाँ आप देखेंगे एंड अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का मान बढ़ता है। तो आप यहाँ तक इसको नोट करेंगे, इसके बाद फिर हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ लार्ज टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा रहे हैं उस केस में रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ तक पहले आप नोट करें। यहाँ आप देखेंगे फॉर लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन फ्रॉम टी वन एंड टी टू, मान लीजिए कोई भी हम कंडक्टर या मेटेलिक वायर लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए टी वन टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है क्या है, आर वन है। यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर हमने इसमें इंक्रीज कर दिया टी टू, और उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो गया, R2। ये रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है R1 T1 टेम्परेचर पे, R2 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे R2 यानी रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें देखना है। तो आप देखेंगे हमें चूंकि रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन है यानी कि R2 माइनस R1, यहाँ देखेंगे R2 माइनस जो R1 है यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस R2 माइनस R1 यह क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस। तो चेंज उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा R1 होगा, यानी हम कह सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। एक चीज, दूसरी चीज, चेंज इन रेजिस्टेंस या वेरिएशन इन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ साथ
रेजिस्टेंस का वेरिएशन भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड हम कह सकते हैं आर टू माइनस आर वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। कंबाइन करेंगे आर टू माइनस आर वन प्रोपोर्शनल आर वन ब्रैकेट में हो जाएगा टी टू माइनस टी वन। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज होगा R2 माइनस आर वन इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट जो यूज होगा अल्फा R1 T2 माइनस T1। अल्फा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम कह सकते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये टेम्परेचर कोफिशियंट है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं या R2 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें R2 फाइंड करना है, यहां से R2 इक्वल टू हो जाएगा, ये जो है कि R1 उधर जाएगा तो हो जाएगा R1 प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा प्लस अल्फा R1 T2 माइनस T1। R1 कॉमन कर सकते हैं 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा और ब्रैकेट बचेगा टी टू माइनस टी वन। इस प्रकार से आर टू, आर टू का जो वैल्यू है ये निकल गया है। इस प्रकार से हम आर टू को फाइंड कर सकते हैं। आर टू क्या है, एट टेम्परेचर टी टू पे रेजिस्टेंस है और आर वन, आर वन इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी वन एंड अल्फा इधर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे सकते हैं अल्फा का वैल्यू देखिए, यहाँ पे हियर हियर अल्फा इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी के टर्म में हम रेजिस्टिविटी को भी फाइंड कर सकते हैं, इसी के टर्म में रेजिस्टिविटी अर्थात रो टू इक्वल टू रो वन प्लस वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन, यानी इन द टर्म ऑफ रेजिस्टेंस जैसे है इसी के टर्म में आपका रेजिस्टिविटी का भी फार्मूला बन सकता है। जैसे हम अल्फा का वैल्यू निकालें तो आप देखें यहां से हम डायरेक्टली अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा, अल्फा में ये टोटल क्या है, मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई है, इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड कर जाएगा अर्थात आर टू माइनस आर वन अपान बचा क्या है आर वन टी टू माइनस टी वन, ये तो अल्फा है। इसी तरह में हम रेजिस्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी को हम यहां पे रो टू इक्वल टू रो वन प्लस यहां पे एक मिनट वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन, तो ये तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला हुआ। इस केस में यहां से भी इसका अल्फा निकल सकता है रेजिस्टिविटी के केस में, तो इसी टर्म में रो टू माइनस रो वन अपान रो वन टी टू माइनस टी वन, तो इन द केस ऑफ रेजिस्टिविटी जो आपका है टेम्परेचर कोफिशिएंट और ये जो है अल्फा इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से किस प्रकार से रेजिस्टेंस जो है वेरी कर रहा है विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ साथ रेजिस्टेंस किस प्रकार से वेरी कर रहा है ये हमने देखा। तो एक चीज और आप जानते रहे, अल्फा फॉर मेटल्स,
अल्फा का वैल्यू जो होता है फार मेटल्स के लिए, अगर बात करें फार मेटल, अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और सेमीकंडक्टर, फार सेमीकंडक्टर या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो अल्फा का वैल्यू होता है वह क्या होता है, नेगेटिव होता है। कहने का मतलब यह हुआ मेटल्स के लिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, या जैसे जैसे चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसी प्रकार अल्फा का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। यानी हम कह सकते हैं कि उस केस में रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा और उसका अल्फा भी इंक्रीज हो जाता है। किस केस में, मेटल के केस, फॉर मेटल के केस में। लेकिन सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें लो टेम्परेचर पर जो चार्ज होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो होते हैं, इन कंपेरिजन ऑफ मेटल, मेटल के कंपेरिजन में क्या होते हैं, बहुत ही लो होते हैं। सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट्स में जो चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, उनकी जो संख्या होती है मेटल के कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसका अल्फा का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, और इस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ाने पे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वहाँ पे करंट आसानी से फ्लो होगा, और करंट आसानी से फ्लो होगा तो हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी या उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, इसका मतलब अल्फा का मान घट जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट में इसका हमने रिप्रेजेंट किया है माइनस में। और जबकि मेटल में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, चूँकि एट द लो टेम्परेचर पर ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते हैं, और जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज कर जाते हैं, और रिजल्टेंट क्या होता है, कोलिजन कुछ और ज़्यादा हो जाता है, और जिससे रेजिस्टेंस और प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं अल्फा इंक्रीज हो जाता है। जबकि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, पहले से ही लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट्स का, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होने लगता है, या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस घट जाता है। और रेजिस्टेंस घटना का मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी क्या हो जाता है, ये भी घट जाता है। उसी रिस्पेक्ट में हम सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू क्या रखते हैं, माइनस में रखते हैं, और जबकि मेटल्स में पॉजिटिव रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक आप नोट करेंगे। एक चीज़ और देखें, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये जो ग्राफ बनता है मेटल्स के लिए, इसमें जो है कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में आप देखेंगे इसमें नॉन लीनियरली ये जो वैरी कर रहा है, ये नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। और एलॉय में अगर बात करें, एलॉय या मिश्र धातु में बात कर सकते हैं, इसमें जो होता है इंक्रीज करता है लीनियरली टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो। ये तो फॉर एलॉय के लिए है। सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें जो होता है, हमने अभी अभी बताया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे अल्फा का वैल्यू घटेगा, अर्थात रेजिस्टिविटी भी क्या होता है वो भी घटेगा, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं
टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका वैल्यू घटेगा, यानी हम कह सकते हैं ये लगातार घटता चला जाता है। ये जो ग्राफ है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, ये तो मेटल्स के लिए है, नॉन लीनियरली बढ़ता है। और इसमें चूंकि कंपैरेटिवली इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़े कम होते हैं, इसमें जो भी बढ़ता है रेजिस्टिविटी वह लीनियरली बढ़ता है, और इसमें जो आपका सेमीकंडक्टर है अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अल्फा का वैल्यू कम होगा, और अल्फा का वैल्यू कम होने का मतलब है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का वैल्यू भी कम होना। और इस प्रकार से टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है, जबकि इन दोनों में उसके विपरीत होता है। यहाँ तक आप नोट करेंगे।